हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 तक हमने जीन इंटरेक्शन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की थोड़ी बात की थी और कुछ पार्ट मेरे पास अभी जीन इंटरेक्शन का आपका पेंडिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और लिंकेज पे मूव करेंगे। लिंकेज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को मजा आ रहा है समझने में, तो देखते हैं जरा टॉपिक में बेटा दिमाग लगेगा, तो इसलिए एकदम फोकस बनाए रखना और ध्यान से देखना पूरा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं और क्या चीजें कह रहा हूं, और जहां पर मैं बोलूं आपको कि ये करना और ये छोड़ना है तो आपको मेरी बात से मानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जीन इंटरेक्शन। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जीन इंटरेक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है बेटा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था, जीन इंटरेक्शन में हमने एक जीन लोकाई वाला पढ़ा था और दो जीन लोकाई का। एक जीन लोकाई में हमने कहा था, एक पढ़ा था हमने डोमिनेंस जो मेंडल के अकॉर्डिंग था, उसके अलावा हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रॉपी। इनमें हमारे पास सिंगल जीन लोकाई इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल पढ़े थे, मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एक पढ़ा हमने मिराबिलिस जलापा और जिसे हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं, और इसके अलावा आपने सेकंड एग्जांपल पढ़ा एंटेरिनम मेजर्स। कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या था, ब्लड ग्रुप पढ़ा आपने, एबी ब्लड ग्रुप। इसके अलावा एचबीए और एचबीएस सिकल सेल एनीमिया। मल्टीपल एलील में आपने पढ़ा ब्लड ग्रुप, तीन एलील होती है, जीन आई की तीन एलील होती है, स्मॉल आई, आई ए, आई बी, क्लियर। और वो शुगर पॉलीमर बनाती है दो, उसमें से जीन आई जो स्मॉल आई है वो कोई पॉलीमर नहीं बनाती, शुगर पॉलीमर। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट। इसमें आपने क्या पढ़ा था, पीकेयू पढ़ा था, फिनाइल कीटोन यूरिया और स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन। स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल करती है, डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और प्लियोट्रॉपी में आपके पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट था, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज यूरिन में आती थी। ये आपका एक जीन लोकाई का इंटरेक्शन था। फिर आते हैं हम लोग दो जीन लोकाई के इंटरेक्शन में, और यहां पर हमने पढ़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसकी रेशियो 14641 थी, और ट्राइहाइब्रिड में स्किन कलर में 16 15 20 15 66 61, ये रेशियो थी। फिर हमने पढ़ा था एपिस्टेटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, और हमने एडिटिव जीन। ये चीजें हमने पढ़ी थी, क्लियर है, ये चीजें हमने जो थी पढ़ी थी, क्लियर हो गई बात। अब हम यहां से आगे मूव करने वाले हैं, एक सेकंड दे मुझे जरा, हम यहां से बेटा आगे मूव करेंगे। अब हम यहां से आगे मूव करेंगे, और हमने बेटा दो जीन लोकाई पे बात करी थी, इन पे हमें आपको डिस्कशन बताना था कि एपिसाइटिस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन, इनका हमें डिस्कशन करना था, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेटा मैं आपको एपिसाइटिस समझाऊंगा। एपिसाइटिस क्या होता है इसको हमें समझना है, क्योंकि मैंने आपको खाली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझाया था, जो कि क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन है, जहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करती है। अब हम बात करते हैं एपिसाइटिस की। एपिसाइटिस को हम कैसे देखेंगे, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये क्रोमोसोम में, मान लो यहां मेरे पास कैपिटल ए जीन है, यहां मेरे पास स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है और यहां स्मॉल बी है, ठीक है, ये जीन है हमारे पास, क्लियर। अब यहां से हम आगे बात करने वाले बेटा, ध्यान से देखना। मान लो कैपिटल बी जीन ने हमारे पास, कैपिटल बी जीन ने हमारे पास ये प्रोटीन बनाई, देखना बेटा, कैपिटल बी जीन ने हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ये प्रोटीन बनाई, ये वाली, ये कैपिटल बी ने बनाई, स्मॉल बी ने ये वाली प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन स्मॉल बी ने बनाई। देखो कैपिटल बी जीन ने ये प्रोटीन बनाई, स्मॉल बी जीन ने ये प्रोटीन बनाई, कैपिटल ए जीन ने आपके पास ये प्रोटीन बनाई और स्मॉल ए ने जो प्रोटीन बनाई वो ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए जिनकी लोकाई सेम है, और अगर ये जीन इसे मास्क करे, मास्क का मतलब अगर ये जीन इसको सप्रेस करे, मास्क या सप्रेस करे, मास्क या सप्रेस, सप्रेस मतलब दिखने ना दे, उसे हम डोमिनेंस कहते हैं। मतलब अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। लेकिन अगर ये जीन इसको सप्रेस करे, समझ रहे हो इस बात को, कैपिटल ए की जीन कैपिटल बी को सप्रेस करे, उसको दिखने ना दे, उसे एपिस्टेटिस बोलते हैं। तो व्हाट इज एपिस्टेटिस, एपिस्टेटिस को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एलील ऑफ वन जीन लोकाई मास्क, मास्क का मतलब होता है छुपाना, सप्रेस करना, दिखने ना देना, व्हेन एलील ऑफ वन जीन लोकाई मास्क एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन लोकाई। अगर सेम जीन लोकाई में कर रहे होंगे तो उसे डोमिनेंस कहेंगे, जो मेंडल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि एलील ऑफ वन जीन लोकाई, हमने बोला एलील ऑफ वन जीन लोकाई विच इज कैपिटल ए मास्क एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल ए, समझे ध्यान से, एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल ए। तो हमने बोला कि कैपिटल ए, कैपिटल ए मेरे पास क्या है, कैपिटल ए मेरे पास क्या है, एलील ऑफ वन जीन लोकाई जो कि कैपिटल ए है, वो मास्क कर रहा है किसको, स्मॉल ए को। स्मॉल ए का मतलब हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल ए मास्क कर रहा है स्मॉल ए को, स्मॉल ए को छुपा रहा है, तो उसे हमने क्या बोल दिया बेटा, उसे हमने एपिस्टेटिस बोल दिया, ठीक है। नहीं देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए को छुपा रहा है तो डोमिनेंस बोल रहे हैं, लेकिन कैपिटल ए मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल बी, आप समझ रहे हो, या स्मॉल बी, तो उसे हम कह रहे हैं कि मास्क एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन लोकाई, ऐसे लिख देते हैं, अनदर जीन लोकाई, आप समझिए इस चीज को, अनदर जीन लोकाई जैसे कि बी या स्मॉल बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को मास्क करेगा तो डोमिनेंस, और कैपिटल ए अगर कैपिटल बी को मास्क करेगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एपिस्टेटिस बोलेंगे। तो एपिस्टेटिस वर्ड का मतलब है कि इस जीन लोकाई की जीन इसको मास्क करे, मास्क का मतलब होता है प्रोटीन को मास्क करना, जीन आपस में मास्क नहीं करती बेटा, हमारे पास ये कैपिटल ए कैपिटल बी को मास्क कर दे, तो इसे हमने एपिस्टेटिस बोला। तो आपने क्या सीखा बेटा, आपने सीखा कि कैपिटल ए स्मॉल ए को मास्क करे डोमिनेंस, पर कैपिटल ए मास्क का मतलब छुपाना, सप्रेस करना, उसकी प्रोटीन दिखने ना देना। तो कैपिटल ए की प्रोटीन अगर कैपिटल बी की प्रोटीन को ना दिखने दे तो उसे एपिस्टेटिस कहेंगे। और डेफिनेशन कैसे पहचानोगे, व्हेन एलील ऑफ वन जीन लोकाई मास्क एलील ऑफ अनदर जीन लोकाई। अब इस एपिस्टेटिस की भी टाइप होती है बेटा तीन, देखो तीन टाइप होती है, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, इस लोकाई की डोमिनेंट एलील इनको मास्क करे, इनका कलर ना दिखने दे, इनका फीचर ना दिखने दे, उसे कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेटिस, समझो। और अगर रिसेसिव वाला मास्क करे इन्हें तो उसे रिसेसिव एपिस्टेटिस कहते हैं, और एक और होता है डोमिनेंट रिसेसिव। तो बेटा आपको क्या करना है, ये सिर्फ एपिस्टेटिस समझो, बाकी बहुत डिटेल नहीं जाना हमने, है ना, मैं तो सिंपल आपको एपिस्टेटिस समझा दिया। अब जब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, देखो आप जब ऐसे एक डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हो, मेरी बात समझना, जब आप ऐसे डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हो तो आपके पास 9 होते हैं, मान लो टॉल राउंड, मान लो मैं एक सिंपल क्रॉस बताता हूं, ठीक है, हमने एपिस्टेटिस को डिफाइन कर लिया। अब हम एपिस्टेटिस की टाइप भी जानना चाहते हैं, तीन टाइप होती है, उनकी रेशियो अलग अलग है, और मैंने आपको यह समझाया भी था कि एपिस्टेटिस, हां सुनो बेटा, मैंने आपको यह भी समझाया था कि एपिस्टेटिस वगैरह की रेशियो और एग्जांपल याद करने, बहुत डिटेल आएगी नहीं, पर मैं थोड़ा और कोशिश करता हूं चीजें समझाने की ताकि क्लियर हो सके आपको, ठीक है, बस ट्राई कर रहे हैं। इनकेस आपको अगर कम समझ आता है एपिस्टेटिस तो आप एग्जांपल और रेशियो याद करें, उतना काफी है बेटा एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रॉपर्ली है नहीं। तो जरा थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रॉस बनाते हैं, ये देखो इसको इधर लिख रहे हो, इसको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, टॉल राउंड कितने आएंगे आपको, अगर 9, तो जो टॉल राउंड आते हैं वो आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना कैपिटल टी, यहां खाली छोड़ दो, कैपिटल आर, ऐसे 9 होंगे,
ये खाली छोड़ने का क्या मतलब है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी मतलब जैसे पी भी भर सकते हो, ये देख रहे हो आप कुछ भी फिल कर रहे हो, लेकिन आएगा आपके पास स्ट्रॉल राउंडिंग। आप ये चार पॉसिबिलिटी देख रहे हो, आप यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी देखो, मैंने क्या किया इन चार पॉसिबिलिटी की जगह यहाँ खाली छोड़ दिया, मतलब ये लोकेशन और ये वाली लोकेशन देखो, ये वाली लोकेशन खाली छोड़ दी क्योंकि एक कैपिटल टी आर की वजह से टॉल राउंड आएगा, तो नौ ऐसे आते हैं। तो नौ लिखने का तरीका क्या है, कैपिटल टी डैश कैपिटल आर डैश, ऐसे ही देखो तीन ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल टी कैपिटल आर खाली जगह छोड़ने का मतलब एक बार कैपिटल आर फिल करो और एक बार स्मॉल आर फिल करो, ऐसे आपके पास कितने होंगे तीन। फिर मैं ये खाली छोड़ने वाली बात एक बार फिर से बता रहा हूं आपको प्रॉपर तरीके से, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो हम टॉल राउंड लिखते हैं तो टॉल राउंड कितने आते हैं, अगर हम बात करते हैं तो वो आते थे नौ। नौ कैसे आते थे, कैपिटल टी खाली कैपिटल आर ऐसे खाली छोड़ दो ऐसे, तो ऐसे करके मेरे पास क्या आते थे टॉल राउंड आते थे, समझना इस बात को। तो टॉल राउंड मेरे पास कितने आ जाएंगे, नौ आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास नौ आ जाएंगे टॉल राउंड, क्लियर। टॉल राउंड हमारे पास कितने आ जाएंगे नौ। अब देखो जरा, तो यहां खाली छोड़ने का मतलब यहां कैपिटल टी भी भर सकते हो स्मॉल टी भी भर सकते हो, कुछ भी भरोगे आएगा टॉली, ठीक है, और यहां पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर भर दो आएगा टॉली, और ऐसे टोटल कितने हैं जिनमें एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर है नौ है, ऐसे आपके पास टॉल रिंकल्ड है, तो टॉल रिंकल्ड को आप तीन है, तो इसमें कैपिटल टी खाली छोड़ो रिंकल मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे मेरे पास ड्वार्फ राउंड है तो ड्वार्फ की वजह से ऐसे भी तीन आएंगे स्मॉल टी ये कैपिटल लिख के ये छोड़ दो खाली, और ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा ड्वार्फ रिंकल आ जाएगा, जो मेरे पास कितने आ जाएंगे तीन आ जाएंगे, और उसको हमने क्या करा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे कर दिया, तो ये आपको ये बना जाएगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इस टॉल राउंड को लिखने का एक तरीका ये भी है कि कैपिटल टी खाली छोड़ो आर खाली छोड़ो, खाली का मतलब यहां टी और स्मॉल टी कुछ भी भर लो और यहां स्मॉल आर और कैपिटल आर कुछ भी फिल करो आएगा टॉल राउंड, ऐसे नौ होते हैं। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशियो ये आती है, ठीक है, और आपको मैंने इसके साथ क्या पढ़ाया बेटा एपिसेटिस पढ़ाया, तो एपिसेटिस क्या होता है याद करो, एपिसेटिस क्या बताया हमने कहा ये इसको मास कर रहा है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना, हमारे पास एपिसेटिस की तीन टाइप होती है, एक होती है डोमिनेंट एपिसेटिस। डोमिनेंट एपिसेटिस में क्या होता है आप समझना ध्यान से, जहां पर भी कैपिटल ए होगा वहां पर एक सिंगल फीचर आएगा, तो जैसे ये 9331 है तो ये रेशियो ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी जहां पर भी कैपिटल ए होगा क्योंकि वो दूसरे को छुपा रहा है, तो ये दोनों ऐड होकर रेशियो हो जाएगी 12:3:1। ये ऐड कैसे हुई, ये 9 और 3 ऐड हो गए क्योंकि यहां पर ये डोमिनेंट एलील है, आप देखो ये डोमिनेंट कैपिटल ए है वो इनको दिखने नहीं देगा किसी को, तो इसमें भी कैपिटल ए है इसमें भी कैपिटल ए है, ये दोनों ऐड होकर 12 कर देंगे फिर 3:1, तो ये रेशियो हो गई किसकी डोमिनेंट एपिसेटिस की। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेटा जो 9331 है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ऐड होकर अलग अलग इंटरेक्शन देते हैं, जैसे डोमिनेंट एपिसेटिस में ये डोमिनेंट एलील का ही एक्सप्रेशन आएगा, तो ये दोनों ऐड होकर यहां 12 आएगा, ये और ये ऐड होकर 3 आएगा और ये मेरे पास 1 आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग रिसेसिव एपिसेटिस। रिसेसिव एपिसेटिस क्या होता है ध्यान से देखेंगे बेटा, इसे हम रिसेसिव एपिसेटिस की बात कर रहे हैं, तो रिसेसिव एपिसेटिस क्या होगा आप देख लो 12:3:1 ये हो गया। रिसेसिव एपिसेटिस में क्या होगा बेटा, हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो इसकी रिसेसिव एलील सेम फीचर देगा, तो 9:3:4 मतलब ये दोनों ऐड होंगे, ये 3 और 1 ऐड होकर ये रेशियो आएगी। और डोमिनेंट रिसेसिव में क्या होगा, ये 9 और आखिरी के दोनों ऐड होंगे, तो मैं क्या सॉरी हमारे पास 13:1 आएगा, तो इसका मतलब 13:3 आप देख रहे हो ये क्या हुआ है 9:3 और ये 1 ऐड होगा ये रह जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे बेटा, हम क्या कर रहे हैं मेंडल की जो डायहाइब्रिड रेशियो उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन बता रहे हैं। आपको सिर्फ एपिसेटिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके साथ आपको इसकी तीन टाइप पता होनी चाहिए डोमिनेंट रिसेसिव और डोमिनेंट एपिसेटिस, हर एक की अलग रेशियो है क्योंकि इसमें क्या हुआ है जैसे 9331 का 9 और 3 ऐड होकर ये रेशियो आई है, इस वाले में ये आई है और इसमें ये आई है। अब तीनों के एग्जांपल अलग अलग है, इसका एग्जांपल है बेटा कुकर बीता पीपो। अब ये कुकर बीता पीपो क्या है, कुकर बीता पीपो है क्या एक्जैक्टली, कुकर बीता पीपो मेरे पास कुकुंबर है, खीरा, खीरे का कलर अलग अलग है, एक ग्रीन है एक येलो है और एक हल्का सा व्हाइट है, तो तीन कलर के आते हैं 12:3:1। तो हमने यहाँ पर ये देखा, हमने यहाँ पर ये देखा, मेरी बात समझो, फिर से आपको डाउट हो रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सुनो, हम जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, दो अलग अलग लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली तो इंटरेक्ट नहीं करते तो 9331 आता है, अगर वो इंटरेक्ट करे तो कुछ होगा। पहला इंटरेक्शन हमने पढ़ा पॉलीजेनिक वाला था, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये एलील इसको मास कर रही है, मास करने को हम डोमिनेंट एपिसेटिस कह रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि मास करने का मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल ए है तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा बाकी उसको नहीं मतलब, तो कैपिटल ए कहां एक यहां एक यहां है, तो ऐसे नौ है और ऐसे तीन है। अब ऐसे नौ कैसे आया आपको, देखो मैंने ऐसे सिखाया था कि टॉल राउंड में यहां खाली थोड़े दोनों तो ऐसे नौ होते हैं, और एक और जिसमें कैपिटल टी आएगा तीन ऐसे और होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे हैं जिनमें कैपिटल टी है, तो है ना 12 है ना ऐसे जिसमें कैपिटल टी है आप देख पा रहे हो, और चार ऐसे जिसमें स्मॉल टी है। तो आप अगर देखो डोमिनेंट एपिसेटिस का मतलब डोमिनेंट एलील दिखा रहा है, और अगर रिसेसिव एपिसेटिस की बात करें तो ये रिसेसिव और ये रिसेसिव ऐड करो 9:3:4 ऐड करो आप समझो, और डोमिनेंट रिसेसिव की बात करें तो 13:3 ऐड करो, क्लियर है, ठीक है क्लियर। तो हमने यहां पर क्लियर कर दिया है, हमने यहां पर क्लियर कर दिया है, ठीक है क्लियर कर दिया है 12:3:1 ये एक है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 9:3:4 एक है, और फिर 13:3 एक है, ये हमारे पास क्लियर है। तो 12:3:1 9:3:4 और 13:3 ये एपिसेटिस की तीन टाइप है, अगर डोमिनेंट एलील सप्रेस करेगी तो डोमिनेंट एपिसेटिस रेशियो मॉडिफाई होकर 12:3:1, ठीक है। जिसको समझ आया ठीक, नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन आपको भी यकीन नहीं हो रहा, तो 2005 के बाद का पेपर देखो एक बार आया से डोमिनेंट एपिसेटिस का एग्जांपल ये। अच्छा इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है अनियन, पता आपको प्याज को कहते हैं अनियन का बल्ब कलर, बल्ब मतलब प्याज, उसका कलर अलग अलग कलर की होती है, रेड है ना, रेड होती है थोड़ी वाइट होती है ना उस तरीके से, और इसमें माइस का कोट कलर, माइस की स्किन का कलर ये आ जाएगा। और रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव में क्या आएगा, प्लूमेज कलर, प्लूमेज क्या होता है जो आपने देखेंगे मुर्गे जो है मुर्गियां हैं वो दो कलर की होती है, व्हाइट होती है कलर होती है, तो उसमें 13 हमारे पास मान लो व्हाइट आ जाए और 3 कलर आ जाए तो उसे प्लूमेज कहते हैं, जो उसका फर का कलर होता है प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। तो ये एग्जांपल है, तो आपके सिलेबस में क्या आएगा नाम नाम रेशियो और एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ इतना समझो एपिसेटिस वर्ड का मीनिंग क्या है। डोमिनेंट अगर सप्रेस करते तो डोमिनेंट एपिसेटिस, रिसेसिव वाली करेगी तो होमोजाइगस में करेगी, मतलब ये देख रहे हो होमोजाइगस स्टेज में वो करेगी, और डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब डोमिनेंट जो होगी और रिसेसिव दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो वो कंबाइन होकर 13 बन जाएगी, जैसे 12 और 1 ये दोनों ऐड हो गया तो 13:3 आ गया, सम इसका भी 16 आ रहा है, क्लियर। तो ये बेटा हमारे पास एपिसेटिस है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको इतना आया तो इसको फिर से देखना डाउट होगा, कोशिश करो बेटा रेशियोस पे खेलना हमने और वहीं से हम बात करेंगे। अब देखो इसका मतलब इस टेबल में आपको पता हो गया कि इसकी रेशियो क्या है 1:4:6:4:1 और 1:6:15:20:15:6:1 ये स्किन कलर की है ना, और ये वीट के कर्नल कलर की। इसके अलावा हमने बोला था आपको और भी एग्जांपल बता दिए थे इसके, डोमिनेंट वाले का क्या रेशियो बताया 12:3:1 इसमें कुकर बीता पीपो, ये टेबल आपकी मास्टर टेबल है यही आपको याद होनी चाहिए। रिसेसिव वाले में क्या आया बेटा 9:3:4 और इसमें हमने लिखा अनियन का बल्ब कलर,
अनियन का हमारे पास क्या आ गया, बल्ब कलर आ गया। अनियन देखा आपने, प्याज से बल्ब कहते हैं, उसका कलर होता है हमारे पास, उसके कलर की तीन फॉर्म आ जाएंगे। और इसमें हमारे पास 13:3 भी आएगा, ये प्लूमेज कलर है, प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। तो ये एग्जांपल स्पेसिफिक है, इन एग्जांपल में दिखाई इंटरेक्शन। और इसके अलावा माइस का कोट कलर, माइस क्या होता है बेटा, चूहे का कोट कलर, तीन कलर के होते हैं, ब्लैक होता है ठीक है, व्हाइट को एल्बिनो कहते हैं और ब्राउन वाले को अगोटी कहते हैं। तो उस तरीके से हम नाम लिखते हैं। अच्छा अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, बस समझते हैं, देखो ध्यान से सुनो बेटा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन कैसे देखेंगे, हमारे पास क्या होता है, एक प्लांट है उसमें दो तरह के फ्लावर दिखते हैं, एक फ्लावर व्हाइट दिखता है और एक फ्लावर पर्पल दिखता है। अब ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं मेरे पास क्या होता है, ध्यान सुनो उसके लिए क्या होता है। प्लांट के कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब समझो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब है जब दोनों लोकाई की जीन डोमिनेंट फॉर्म में होंगी तो वो पर्पल कलर दे पाएंगे, नहीं तो व्हाइट कलर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों लोकाई की जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में होंगी तो पर्पल कलर आएगा, नहीं तो व्हाइट कलर आएगा। कैसे, देखो ये मान लो कोई सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट है जो कलरलेस है, कलरलेस, इसको एक एंजाइम बनाता है जीन पी। ध्यान से देखो, जीन पी एक एंजाइम का निर्माण करता है, मतलब एक कलरलेस चीज है जो फ्लावर के अंदर है, उसको जीन पी ने एक ऐसी चीज में बदला है जो क्रोमोजेनिक है, खुद कलर नहीं है पर कलर बना सकता है, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट में बदला है। जिसको समझ नहीं आ रहा ध्यान से सुनो, मेरे पास एक जीन पी है या जीन सी लिख देते हैं, जीन सी एक एंजाइम बनाती है, ध्यान से सुनो, एक एंजाइम बनाती है जो इस सब्सट्रेट को जिसमें कन्वर्ट करती है, वो क्रोमोजेनिक चीज है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर बनाने वाली चीज है ठीक है, पर कलर नहीं है, ये भी व्हाइट, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। लेकिन हमारे पास जीन पी जो एंजाइम बनाती है उससे हमारे पास पर्पल कलर आता है, आप समझ रहे हैं, जीन पी जो एंजाइम बनाती है उससे पर्पल कलर आता है इसमें। तो अगर मेरे पास सी और पी साथ में है, दोनों कैपिटल फॉर्म में साथ में है, तब मेरे पास पर्पल कलर आएगा, तब मेरे पास पर्पल कलर आएगा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो हम ये लिखेंगे कि बोथ डोमिनेंट एलील ऑफ टू जीन लोकाई, दो अलग अलग लोकाई की डोमिनेंट एलील गिव कलर प्रोडक्ट, मतलब मुझे दोनों साथ में चाहिए कलर प्रोडक्ट लाने के लिए। तो आप फिर समझो बेटा, डोमिनेंट एलील मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर इनमें से मान लो ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इसके होने का फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लो ध्यान सुनो, मान लो जीन सी में स्मॉल सी है, स्मॉल सी एंजाइम नहीं बनाएगा। अगर उसने एंजाइम नहीं बनाया, स्मॉल सी ने एंजाइम नहीं बनाया, मान लो इसने कोई एंजाइम नहीं बनाया, तो उसकी वजह से ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। मान लो अगर ये वाली जीन नहीं होती, स्मॉल पी होता, क्योंकि रिसेसिव से एंजाइम नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास क्या होता बेटा, फिर ये नहीं बन पाता, ये बन गया होता। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है ये और ये, तो मुझे ये नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब सिर्फ नो केस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होती है, और बाकी के सारे ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई एक क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो यहां पर होमोजाइगस है, या होमोजाइगस, तो दोनों होमोजाइगस है। तो हम यहां पर क्या रेशियो लाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, 9:7, 9 पर्पल फ्लावर क्योंकि दोनों डोमिनेंट है नौ में, और साथ ऐसे आएंगे जिसमें व्हाइट फ्लावर। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब दोनों जीन साथ में चाहिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, नहीं तो नहीं बनेगा। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्लियर है। और इसका क्लियर एग्जांपल है, मैं लिख देता हूं, एक प्लांट होता है स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लेथाइरस है, लेथाइरस ऑडोरेटस, फैंटेसी में आता है बेटा, जल्दी हम लोग उसमें बैच जो है हमारा उम्मीद वाला उसमें कर रहे होंगे ये चीज। तो स्वीट पी जो है मेरे पास, जिसे हम लेथाइरस ओडोरेटस कह रहे हैं, लेथाइरस ओडोरेटस लिख रहे हैं स्वीट पी को, तो उसमें आप स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस है। तो स्वीट पी हमारे पास जो है बेटा, स्वीट पी जो है वो इसका एग्जांपल है, जिसमें दो कलर के फ्लावर मिलते हैं, एक व्हाइट जो कि 7 और मेरे पास पर्पल जो कि 9, इस रेशियो में मुझे फ्लावर मिलते हैं। और ये क्या है बेटा, दो जीन लोकाई इंटरेक्शन है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, इसलिए रेशियो 9:3:3:1 से बदल के 9:7 आती है। तो इस टेबल को फिर से फिल करेंगे, और एक और चीज आ गई मेरे पास, यहां रेशियो क्या है बेटा, 9:7 और एग्जांपल स्वीट पी। अगर आप ये कर पा रहे हैं, या तो आपको बेटा चीजें यही करनी है बस, और आगे नहीं। ऐसे ही एक और फिनोमेना लास्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें, वो रहेगा सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन समझो क्या है, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन समझ आया तो उसका मतलब ये था कि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होगी तब फाइनल कलर आएगा। लेकिन यहां क्या होता है कि अगर जीन ए है डोमिनेंट फॉर्म में तो ये कलर आ रहा है, ऐसा नहीं, इसका कलर नहीं है, पर ये मेरे पास एक तरीके का फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम यहां पर ये कह पा रहे हैं, बेटा कि मेरे पास ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, पर ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो इसका मतलब जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों होंगे, तो ये कलर आएगा। ऐसा मेरे पास नौ आएगा, नौ ऐसे हैं जिनमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों है। आप देख लो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे जो भी चीजें मैंने बताई तो क्लियर होंगी। कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर दोनों हैं तो मेरे पास नौ ऐसे होंगे जिनमें फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये कलर आएगा। अब कैपिटल ए वाला कितना है, जिसमें कैपिटल ए हो 3, 3 में ये कलर आएगा, ऐसा कलर 3 में आएगा और ऐसा कलर 9 में आएगा। अब बच गया ये जिसमें स्मॉल ए होगा, अगर यहां मैं स्मॉल ए लिख दूं तो ये नहीं बनेगा, अगर ये नहीं बना तो ये नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जिसमें ये 3 है और ये 1 है, एक ही कलर आएगा जो कलरलेस टाइप से बोल सकते हैं, तो ये आ गया 4। तो जो रेशियो आई सप्लीमेंट्री जीन की 9:3:4 आई। अब दिमाग में ये आया यार, यही रेशियो तो उसी आई थी रिसेसिव एपिसाइटिस की, फिर सवाल अगर पेपर में आता तो हम गलत कर पाएंगे नहीं, आपको एग्जांपल के थ्रू समझना है। अगर वो कहता है माइस का कोट कलर तो वो रिसेसिव एपिसाइटिस का एग्जांपल है, लेकिन यहां पर अगर वो एक पल्सिस का नाम लेता है, पल्सिस का नाम है लैब, ये दाल होती है बेटा, पल्सिस में आता है, ये इसका एग्जांपल है। उसके मेरे पास जो सीड होता है ना दाल का, उसके अलग अलग कलर होते हैं, उस कलर में मेरे पास एक ब्राउन होता है, एक मान लो बफ होता है, खाकी, ऐसे करके 3 कलर होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दोनों डोमिनेंट फॉर्म में फाइनल का कलर आता है, सप्लीमेंट्री जीन में पहले का कलर है उसको मॉडिफाई कर दिया। तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों साथ है तो प्रोडक्ट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसने प्रोडक्ट दिया, दूसरे ने मॉडिफाई कर दिया। तो डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस ये है बेटा, डिफरेंस ये है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। आप ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस ये है कि यहां पर इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, समझ लो इस बात को, इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का। इसमें क्या है, इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट विच इज मॉडिफाइड बाई अनदर डोमिनेंट जीन, मतलब एक डोमिनेंट जीन जो प्रोडक्ट बना रही है उसको दूसरी वाली मॉडिफाई कर रही है।
क्लियर। तो इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का हमारे पास क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन का हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर। विच इज मॉडिफाइड बाई अनदर डोमिनेंट जीन, जो हमारे पास क्या है, दूसरी डोमिनेंट जीन से। आप समझे ध्यान से, दूसरी डोमिनेंट जीन से हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हम यहां पर कुछ क्लियर बोल रहे हैं आपको कि इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन जो है हमारे पास, इंडिविजुअल डोमिनेंट जीन जो है उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, और फिर हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरी डोमिनेंट जीन बना रहे हैं। क्लियर, ये चीज समझ आ गई आपको, ये चीज क्लियर है। क्लियर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बहुत डोमिनेंट जीन साथ चाहिए। अगर आपको बेटा ये समझ आया है तो काफी है, नहीं तो आप क्या करें, इसको मतलब छोड़ भी सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी बातें माना करो। मैंने बोला आपको एपिस्टेटिस की डेफिनेशन समझ आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में बैठ जाएगी, एक एंजाइम जो है बना रहा है वो उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर दूसरे से कलर आ रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब इंडिविजुअल का कलर से उसको मॉडिफाई कलर कर रहे हैं, इतना अगर दिमाग में बैठेगा तो काफी है। इंपॉर्टेंट इज इनका बेटा रेशियो और एग्जांपल, यही नीट में आएगा और यही आपको आना चाहिए। जैसे सप्लीमेंट्री जिनका रेशियो क्या है, 9:3:4, ये और ये सेम है, पर एग्जांपल के थ्रू पहचानते हैं कि क्या दे रखा है। एग्जांपल यहां पर लैब लैब है, ठीक है। एडिटिव जीन में बेटा 9:6:1, आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा, 9:6:1, बीच वाले 3 ऐड हो गए होंगे, और डुप्लीकेट जीन में 15:1, एग्जांपल ना भी करो तो चल जाएगा। तो ये टेबल आपकी मास्टर टेबल, अगर आप इतना याद रखते हैं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बाहर भी जाता है इस टॉपिक से तो आप बना पाएंगे, ये मेरे को पता है और आपको भी पता हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर हो गई बात। तो आपको क्या याद रखना है, दो जीन लोकाई के इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीजेनिक, ये वाला पार्ट आपने सिर्फ दिमाग में टेबल बिठानी है। कुछ मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, मैं 3 घंटे एक्सप्लेन करूंगा, मैं भी इससे बेटर एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन उस 3 घंटे का आउटपुट आपके लिए सिर्फ ये है और ये आपके सामने है। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूं कि यार इसको रहने दो, रीजन है क्योंकि आपको प्रॉपर बहुत समय लगता है चीजों में, क्लियर, और ये आता भी नहीं है। क्लियर, और ये कुछ के स्कूल एग्जाम में भी आएगा तो रेशियो और वो बनाने को आ जाएगा। तो अगर स्कूल एग्जाम में आता तो एपिस्टेटिस डिफाइन करना आ जाएगा, उसकी टाइप रेशियो ये सब आ सकता है जो कुछ बच्चों के स्कूल एग्जाम में आता है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं और उस पे आ जाते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, और वहां पर मैंने आपको ये बोला था कि देखो भाई क्रोमोसोमल थ्योरी जो है ना वो क्यों आई थी, क्या जरूरत थी, वो समझ लो ध्यान से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो आपको एक बेसिक बात समझ आई होगी, क्या कि मेंडल के काम की सबसे बड़ी कमी ये थी, जो काम की कमी थी, देखो पब्लिश नहीं हुआ वो कमी नहीं है, वो तो लक है, लेकिन काम की सबसे बड़ी गली मतलब कमी ये थी कि मेंडल के फैक्टर कहां प्रेजेंट है ये मेंडल को पता नहीं था। अगर मैं पूछूं मेंडल से, जैसे मैं कहता हूं कि टाइमलाइन बताते हैं हम लोग, 1865 में मेंडल का काम पब्लिश हुआ, ये वो टाइम था जब क्रोमोसोम की डिटेल नहीं थी। क्रोमोसोम की डिटेल यहां से लेकर यहां तक मुझे क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस, इनकी डिटेल्स आ गई, आप समझ रहे हो, और गैमेटोजेनेसिस की। अब जाकर मुझे क्रोमोसोम पूरा पता हो गया, 1900 तक मुझे क्रोमोसोम के बारे में पता हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा मेंडल के काम का सबसे बड़ा कमी ये था कि उसको फिजिकल बेसिस नहीं पता था, मतलब उनको ये नहीं पता था कि फैक्टर एक्जेक्टली कहां प्रेजेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उनके काम में एब्सेंट था। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि उनके काम में ये नहीं पता था कि फैक्टर मूव कैसे करते हैं, उनके काम से ये पता ही नहीं चल रहा था कि फैक्टर कैसे जा रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा था मेंडल के काम से, बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था फैक्टर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो गैमेट के थ्रू तो जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं ये नहीं पता। मैं आपसे कहता हूं मेंडल ने कहा देखो फैक्टर होते हैं जुड़े में होते हैं, मैं पूछ रहा हूं बताओ कहां है, तो मेंडल को ये नहीं पता, ये पता न्यूक्लियस के अंदर है लेकिन न्यूक्लियस में कहां है कैसे कुछ नहीं पता। तो इसलिए जरूरत पड़ी क्रोमोसोम थ्योरी की, जो बता रहा है कि फैक्टर क्रोमोसोम पे है। तो चलिए आ जाते हैं थ्योरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हमें। सबसे पहले जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि मेंडल का काम बहुत लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज रहा या उसको उतनी मतलब पब्लिसिटी नहीं मिली, काम पब्लिश हो गया था 1865 में पब्लिश हुआ, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ। पहला, कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था क्योंकि काम उतना वाइडली पब्लिश नहीं था, मतलब समझ रहे हो आप, नॉट वाइडली पब्लिश, काम बहुत ज्यादा वाइडली पब्लिश नहीं था, काम बहुत ही ज्यादा वाइडली पब्लिश नहीं था। तो एक कारण यह था कि मेंडल का मतलब काम जो है हमारे पास उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, पहला, उतना पब्लिश नहीं हुआ। दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, मेंडल ने फैक्टर को एक डिस्क्रीट यूनिट बोला था, मतलब मेंडल का मानना था कि फैक्टर एक यूनिट है, वो यूनिट कंट्रोल करती है ट्रेड को, वो मिक्स नहीं होती, तो इसका मतलब या तो टॉल या ड्वार्फ ऐसी चीजें दिखेंगी, पर नेचर में मुझे कुछ कंटिन्यूस वेरिएशन जैसी चीजें भी दिखती है, ऐसा नहीं दिखता कि दो एक्सट्रीम केसेस दिखते हैं, टॉल ड्वार्फ ऐसे बीच का भी कुछ दिख जाता है बहुत सारी जगह, तो ऐसी चीजों को मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन नेचर में है, कंटिन्यूस वेरिएशन जो देख रहे थे साइंटिस्ट, वो इस बात को मान नहीं रहे थे कि मेंडल का फैक्टर जो है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करता, इस बात के लिए एग्री नहीं हुए, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा तो उसको एक्सप्लेन करो कि अलग अलग हाइट के ह्यूमन क्यों है, कुछ ना कुछ तो कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीसरी बात, मेंडल ने यूज किया मैथ्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो उस समय के साइंटिस्ट को ज्यादा ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप मैथ्स यूज करके बायो सॉल्व कर रहे हो, प्रिंसिपल दे रहे हो, लॉ दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होगी। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल के काम में फिजिकल प्रूफ नहीं था कि फैक्टर कहां है, फैक्टर है कहां, मैं पूछ रहा मेंडल कह रहे हैं फैक्टर का इन पेयर, तो दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा बताओ कहां, बताओ जल्दी से कहां है, तो ये नहीं पता था। अगर मुझे ये पता होता कि फैक्टर क्रोमोसोम पे, तो शायद मैं कुछ और बेटर एक्सप्लेन कर पाता। तो मेंडल के काम का एक बड़े फेलियर ये है, तो मैं फेलियर नहीं बोलूंगा, मेन फेलियर तो सिर्फ ये है, बाकी तो बेटा बाई चांस वाली बात है कि उस वक्त वो चीजें उस तरीके से फिट नहीं बैठ रही थी। तो फिर हमारे पास क्या आई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आती है। अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए बैकग्राउंड क्या था, देखो कैसे कैसे चीजें तैयार होती, मैं आपको बताता हूं। एक, 1900, 3 साइंटिस्ट मेंडल के काम को रीडिस्कवर करते हैं, नाम है उनका कार्ल कोरेंस, डी वरीस, टेशमार्क। तीन साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, डी वरीस, टेशमार्क, मेंडल के काम को रीडिस्कवर करते हैं, वो दोबारा खोज लेते हैं, बहुत बढ़िया। मेंडल के काम को जब उन्होंने रीडिस्कवर किया, मेंडल के काम को उन्होंने क्या किया बेटा, जब रीडिस्कवर कर दिया मेंडल के काम को, तो फाइनली क्या हुआ, वो समय था तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुके थे, समझो इस बात को। तो हम कैसे कैसे कहानी देखो, टाइमलाइन कैसे मूव कर रही है, सुना ध्यान से। 1865 में वर्क पब्लिश हुआ लेकिन छुप गया, लेकिन क्या हो गया, छुप गया। 1900 में रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी हुई तो इसका मतलब फैक्टर की डिटेल आ गई, फिर से फैक्टर्स की डिटेल अवेलेबल हो गई, साइंटिस्ट को पता चल गया भाई फैक्टर कुछ होता है, ठीक है, फैक्टर के हमारे पास क्या हो गया बेटा, डिटेल अवेलेबल हो गया, समझ रहे हो, डिटेल मिल गई। और ये वही समय था जब माइक्रोस्कोपी में इंप्रूवमेंट हो चुकी थी, माइक्रोस्कोपी ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी थी, उससे क्या होता था, क्रोमोसोम के बिहेवियर को, क्रोमोसोम डिस्कवर हुए और उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया, उनका बिहेवियर क्या होता है, क्रोमोसोम का कैसा बिहेवियर होता है, आपसे कहता हूं उनका बिहेवियर क्या करेगा, क्रोमोसोम सबसे पहले तो एम फेज में दिखेगा, बिहेवियर क्या करेगा, वो डबल होकर फिर हाफ हो जाता है, एक ये बिहेवियर माइटोसिस में, तो बिहेवियर डिस्कवर हो गया, एंड देयर बिहेवियर किसमें, इन माइटोसिस एंड मियोसिस,
उनका बिहेवियर माइटोसिस और मियोसिस में, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस में क्या कर दिया गया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, क्या कर दिया गया माइटोसिस और मियोसिस में, क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी किया गया है ना, वो क्या किया गया, स्टडी किया गया, उसको स्टडी कर पाए हम लोग, मतलब कि हाउ क्रोमोसोम, जैसे अगर मैं कहूं कि मियोसिस में क्या बिहेवियर है, क्रोमोसोम जोड़े में आते हैं फिर अलग होते हैं, ऐसा बिहेवियर। तो टाइम था 1900 के आसपास जब मेरे पास सबसे पहले मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोपिक खोजी बहुत इंप्रूव कर चुकी थी, वो क्रोमोसोम को देख पाए, जैसे एक्जेक्टली कलर बॉडी क्रोमोसोम दिख गई, और क्रोमोसोम के बिहेवियर को सटन एंड बोवेरी करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोसिस और मियोसिस में देखा। तो उन्होंने क्या किया, 1902 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम लिख रहे हैं सटन एंड बोवेरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ मेंडल फैक्टर, मेंडल्स के फैक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया विद बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम शो कर रहे थे उसी तरीके से मेंडल के फैक्टर के को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या बिहेवियर रहा होगा, समझना ध्यान से, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो सुनना ध्यान से, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये मेरे पास मैंने क्रोमोसोम बना दिया, इस क्रोमोसोम पर मैं आपको फैक्टर बना देता हूं, यहां पर कैपिटल ए बना देता हूं और यहां पर स्मॉल ए बना देता हूं, यहां पर मैं कैपिटल बी बना देता हूं और यहां स्मॉल बी बना देता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखो भाई फैक्टर ऐसे पेयर में आ गए, देखो कैपिटल ए फैक्टर है, कैपिटल ए क्या है बेटा, फैक्टर है, और ये भी क्या है मेरे पास फैक्टर है, तो फैक्टर जैसे जोड़े में आए, क्रोमोसोम भी जोड़े में आ गए। तो इस तरह के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, इस तरह के बिहेवियर को किसने एक्सप्लेन किया, सटन एंड बोवेरी ने, किसके थ्रू एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोम के बिहेवियर के थ्रू। तो उन्होंने पाया, उन्होंने ये पाया कि देखो भाई जब मियोसिस होती है उसके जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो फैक्टर भी पेयर करते होंगे, एनाफेज वन में फैक्टर अलग होते हैं तो क्रोमोसोम भी अलग होते होंगे, सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेशन होगा, ये चीज कह रही उन्होंने, ठीक है ये चीज कही। तो जरा देखते हैं कहानी कहां थी, एक एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जो इस बात को एक्सप्लेन करेगा, जिसको हमें जरूर करना चाहिए एक्सप्लेन, आपको ध्यान से देखेंगे, देखो बेटा तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है कि जो हमने क्या देखा, देखो क्या बिहेवियर पाया, जो हमने कहा कि पैरेलल बिहेवियर मिला हमें, वो पैरेलल बिहेवियर क्या था उसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो क्या है, देखो जो पैरेलल बिहेवियर कंपैरिजन कर रहे हैं किसका बेटा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं फैक्टर और क्रोमोसोम का, इनको कंपेयर करें, देखो अकर इन पेयर, कौन पेयर में अकर करता है, अकर इन पेयर, अकर इन पेयर, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ठीक है ये भी पेयर में, पेयर में कौन है, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए फैक्टर है, ये पेयर में है, और क्रोमोसोम भी मेरे पास किसमें मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। तो ये कुछ पैरेलल बिहेवियर है जो हमने क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में बोले, ठीक है ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये भी पेयर में मिलते हैं, ये भी पेयर में मिलते हैं, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनाएगा जिसे हम एनाफेज वन कहते हैं, देखो गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होना चाहिए, तो मियोसिस करते वक्त ये सेग्रीगेट होते हैं, ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। तो हमने कहा ये देखो जरा हम ये चीज बात कर लेते हैं, हमने कहा देखो भाई पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, पेयर में आप देख पा रहे हो यहां पे, ये क्रोमोसोम पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये अलग होंगे, ठीक है, तो जब ये अलग होंगे तो क्रोमोसोम भी अलग जा सकता है, देखो क्रोमोसोम अलग जा रहा है और फैक्टर भी अलग जा रहा है, तो ये बातें सिमिलर आ रही है ना, ये बातें सिमिलर आ रही है, आप समझना ध्यान से, ये वाली बात हमारे पास सिमिलर आ रही है, जिसमें हम ये कह रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं बेटा कि सेग्रीगेट, देखो इस चीज को समझो, इसको हम बात कह रहे हैं कि अकर इन पेयर, मतलब जोड़े में, ये भी जोड़े में फैक्टर, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मेंडल के फैक्टर को क्रोमोसोम के जोड़े के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फैक्टर पेयर में है, क्रोमोसोम भी देखो पेयर में है, फिर हम ये कह रहे हैं सेग्रीगेट, ये फैक्टर अलग होते हैं, क्रोमोसोम भी अलग होते हैं, देखो तब गैमेट बनाते वक्त, और दोनों में से एक ही जाएगा, मान लो अगर गैमेट में जाएगा तो इन दोनों में से हमारे पास एक ही जाएगा, गैमेट में इन दोनों में से, ऐसे गैमेट में इन दोनों में से एक ही जाएगा। अब ये यहां पर ये मेन पॉइंट है, इन दोनों लाइन में फर्क है बस, अगर आप देखो ए क्या है बी क्या है पता करना पड़ेगा, पर उसमें पहले ये लाइन में फर्क देखो, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू अनदर। अब इस लाइन को जरा समझते हैं, देखो ध्यान से, मेरे पास ध्यान से सुनना, मैंने एक क्रोमोसोम ये ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक क्रोमोसोम ये ड्रॉ कर दिया, समझने की कोशिश करना जो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, आपके पास मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये पेयर ये रहा, ठीक है, एक दूसरा क्रोमोसोम बना देते हैं ऐसे। अब जरा समझना मैं जो बताने वाला हूं, देखो अगर मैं इस पे कैपिटल ए लिखूं, यहां स्मॉल ए लिख दिया, यहां कैपिटल बी लिख दिया या स्मॉल बी लिख दिया, ठीक, अच्छा अब यहां पर मैंने कैपिटल डी लिख दिया और यहां पर स्मॉल डी लिख दिया, जरा इसको सामने बनाते हैं इसके, ठीक है, यहां पर लिखते हैं कैपिटल डी और यहां लिखते हैं स्मॉल डी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर आप ये बात समझ पाओ मुझे एक चीज बताओ, आप यहां और यहां क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मेरे पास ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये दोनों या ये दोनों, ये ऑन सेम क्रोमोसोम है, ऑन सेम क्रोमोसोम, और अगर मैं इनकी बात करूं ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा, जो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, जो फैक्टर सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं डिपेंडेंट पेयर, कैसा नाम देते हैं डिपेंडेंट पेयर, ऐसा पेयर जो एक दूसरे पर डिपेंड है, और इस वाले को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट पेयर, क्या नाम देंगे इंडिपेंडेंट पेयर। तो मेरे पास आप देख रहे हो कैसे दिख रहा हूं मैं कह रहा हूं ये वाला जो है ये डिपेंडेंट पेयर है, डिपेंडेंट पेयर का क्या मतलब है कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इस पर कैपिटल ए और स्मॉल ए लगा दो, जब ये सॉरी इस पर कैपिटल ए और कैपिटल बी लगा दो, तो जब ये जाएगा तो दोनों को साथ ले जाएगा गैमेट में, तो इसका मतलब जब ये गैमेट में जाएगा तो अपने साथ ए और बी को साथ ले जाएगा, लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये कंपलसरी नहीं है कि बी डी के साथ जाए, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो मान लो बी एक गैमेट में जा रहा है तो हो सकता है स्मॉल डी चला जाए या हो सकता है कैपिटल डी चला जाए। तो मेरा ये कहना बेटा, मेरा ये कहना है कि जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो इसका अलग होना इसकी अलग होने पर डिपेंड नहीं करता, तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर, फिर रिपीट करूंगा थोड़ा सा टाइम लेके, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आपके पास सबसे पहले आपने ये सोचना है कि फैक्टर की संख्या क्रोमोसोम की संख्या से ज्यादा होती है, तो बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, ये समझ आ गई। ह्यूमन में टोटल 23 जोड़े 23 पेयर क्रोमोसोम के हैं, जहां पर हर एक पेयर जब एनाफेज में अलग होता है वो दूसरे पेयर के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता, एक पेयर का अलग होना दूसरे पेयर के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता, ये क्रोमोसोम के लिए है। पर फैक्टर के लिए रूल ये है कि फैक्टर जब तक अलग अलग, जैसे ये वाला फैक्टर कैपिटल ए और कैपिटल डी, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, स्मॉल ए स्मॉल डी डिफरेंट पर है, तो इस कैपिटल ए मान लो एक गैमेट में जाए तो उसके साथ कैपिटल डी और स्मॉल डी में से कोई भी जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल ए और कैपिटल डी दे आर इंडिपेंडेंट पेयर, समझ रहे हो, एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर डिपेंडेंट, निर्भर है, दोनों साथ जाएंगे,
कैपिटल ए कैपिटल बी साथ जाएंगे, निर्भर है एक दूसरे पर, डिपेंडेंट पेयर। तो फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट वाले होते हैं और एक इंडिपेंडेंट वाले होते हैं। तो फैक्टर में एक पेयर की सेग्रीगेशन देख लो, इस पेयर का, इस वाले पेयर का अलग होना इस वाले पेयर के अलग होने पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट पेयर है। बट कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी जाएगा, कैपिटल, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम पे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं, आप समझो ध्यान से इस बात को, कि क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन अलग होना, मान लो ये, मान लो मेरे पास एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, तो ये क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये एक ऊपर नीचे गया, ऐसे पीछे को जोड़ा ऊपर नीचे गया, तो इन जोड़े में से कौन ऊपर गया, गैमेट में कौन नीचे गया, ये दूसरे वाले जोड़े पर निर्भर नहीं करता। लेकिन फैक्टर क्या है, अगर दो फैक्टर इस पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों इसी पर हैं, तो ये दोनों को साथ ले जाएगा ना, यही तो समझा रहा हूं मैं जब से। तो यही लाइन अगर आप एनसीईआरटी की देखो, तो एनसीईआरटी कहती है कि इंडिपेंडेंट पेयर, क्योंकि कंडीशन बता रहा है इंडिपेंडेंट पेयर मतलब कैपिटल ए और कैपिटल डी जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और वन पेयर, यहां वन लिखा है, तो ये क्रोमोसोम के लिए बात हो रहा है, कुछ बुक्स में गलत है और उसे ही गलत पढ़ाया जाता है। तो यहां ये जीन के लिए है और ये क्रोमोसोम के लिए, फैक्टर के लिए, ये क्रोमोसोम के लिए, क्योंकि यहां वन पेयर लिखा है, तो हर एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग सेग्रीगेट होता है, और यहां पर यहां लिखा इंडिपेंडेंट पेयर, तो वो पेयर कैसा होना चाहिए, वो पेयर इंडिपेंडेंट, मतलब ये बी स्मॉल डी के साथ इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन स्मॉल बी स्मॉल ए के साथ डिपेंडेंट है। क्लियर, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पेयर। क्लियर, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ध्यान से देखें, देखो ये कैपिटल ए है, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल ए ऊपर गया तो इसके साथ मान लो कैपिटल बी ऊपर चला गया, और हमारे पास स्मॉल ए नीचे आया तो स्मॉल बी, तो एक गैमेट में कैपिटल ए बी आ गया और दूसरे में स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया। क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, देखो ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, देखो यहां पर कैपिटल ए ऊपर गया, इसके साथ स्मॉल बी आ सकता था, ये वाला ऊपर चला जाता और नीचे क्या आया, स्मॉल ए आया, तो उसके साथ कैपिटल बी आ गया, तो यहां गैमेट, ये भी पॉसिबिलिटी बन गई। तो आपको मैं यही तो समझा रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग जोड़ों पर है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिख जाए, यहां मान लो कैपिटल ए के साथ मैं ये कर लेता हूं ऐसे, यहां कैपिटल बी होता, यहां क्या होता, स्मॉल बी होता, यहां कैपिटल डी होता, स्मॉल डी होता, तो ये मजबूरी होती ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में जाए, ऐसे स्मॉल ए स्मॉल बी साथ में जाता, तो ऊपर कैपिटल डी आ सकता है, यहां स्मॉल डी आ सकता है, ये चेंज हो सकते हैं, ये नहीं चेंज होगा, आप समझो। तो इन दोनों का साथ जाना मजबूरी है, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे, इसी को डिपेंडेंट पेयर कहते हैं। तो आप ये समझे, ये डिपेंडेंट पेयर है इसलिए साथ गए, और ये दोनों कैपिटल बी और ये इंडिपेंडेंट, इसलिए कैपिटल बी के साथ ये वाला भी ऊपर आ सकता था, यही चीज समझा रहा हूं, क्लियर है, बताओ बेटा, बिल्कुल दिमाग में रखो अपने, है ना, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ आई है, तो यही लिखा एनसीईआरटी में, और मैं आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी का और दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें आपको क्लियर होगा एक्जेक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्लियर होगा आपको, ये डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, देखो, हाँ ये डायग्राम देखो, इसमें क्या कर रहा है, देखो आप में से बहुत सारे अगर सेल साइकिल रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, या कर लिया तो बहुत अच्छा है, क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ये जीवन में क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, आपको ध्यान से देखना, ये जीवन का क्रोमोसोम है, मान लो ये जीवन का जोड़ा ऐसे, ठीक है, और ये जीवन का मान लो जोड़ा ऐसे, तो G2 में ये डबल हो जाता है, मतलब इसमें सिस्टर क्रोमेटिड आ जाते हैं ऐसे, इसमें मेरे पास क्या आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, मतलब आप ध्यान से देखो, अब इसमें क्या आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, देखो डबल हो गया, मतलब देखो ये सिंगल सिंगल क्रोमेटिड था, यहां ये G2 में जाकर डबल हो गया, डबल होने का मतलब इसके जैसा एक और बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, देखो यहां ये जीवन है और ये G2 को बोल रहा है, तो ये सिंगल दे रखा था, ये डबल करके दे दिया, अब क्या होगा, ये एनाफेज में लगे हुए, एनाफेज 1 में लगे हुए, तो एनाफेज 1 में क्या होगा, मान लो ये चार क्रोमोसोम है, तो दो नीचे आ जाएंगे और दो ऊपर, अगर यही ह्यूमन में होता, ह्यूमन में 23 पेयर होते, तो 23 ऊपर, यही चीज बराबर में अलग होंगे, तो अब देखो ये येलो वाला है, ठीक है, ये ऊपर चला गया, अब मियोसिस 2 में क्या होगा, बीच में से लगेंगे, मतलब हम क्या करा रहे हैं, देखो ध्यान से, हम आपको यही चीज करा रहे हैं पहले, ठीक है, ये चीज करा रहे हैं, अगर आप समझ सको, ये चीज देखिए एनसीईआरटी ने, देखो एनसीईआरटी ने क्या देखा, एनसीईआरटी ने क्या देखा बेटा, समझना इसे, एनसीईआरटी ने क्या, देखो भाई एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, और ये जीवन के हैं, किस फेज के हैं, जीवन के, समझ रहे हो, जीवन फेज के, G2 में क्या होगा, मान लो मैं इस पे जीन भी लिख देता हूं, यहां कैपिटल ए है और यहां स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है स्मॉल बी है, ठीक है, अब G2 में क्या होगा, समझना, G2 में इसकी एक कॉपी इसके साथ बन गई ऐसे, अब देख रहे डबल हो गए, और ऐसे ही इसकी एक कॉपी यहां ऐसे साथ हो गए, अब देखो ये G2 का हो गया, ये क्या हो गया, G2 में हो गया, तो अगर यहां कैपिटल ए, देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, अब देखना समझना इसे, ये G2 में क्या हुआ मेरे पास, जैसे इसकी कॉपी ये है, इसकी कॉपी ये है, तो अगर मेरे पास यहां कैपिटल ए जीन थी, तो इसके जैसी कैपिटल ए एक और बन गई, यहां स्मॉल ए थी, तो यहां स्मॉल ए सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तो आप देखो इसको डबल कर दिया, यहां से दो से ये सिस्टर क्रोमेटिड कर दिया, यहां डबल हो गया, ऐसे ये डबल हो गया, ये ऐसे जुड़ा हुआ डबल हुआ ऐसे, आप समझ रहे हैं, तो ये डबल हो गया, पहले तो ये सिंगल था, ये यहां डबल हो गया, डबल होने का मतलब इसकी कॉपी ये बन गई, इसकी कॉपी ये बन गई, आप देखो ध्यान से मैं किस पे लगा रहा हूं, इसकी कॉपी ये बनी है, इसकी कॉपी है, तो ये कैपिटल ए की एक और कॉपी आ गई कैपिटल ए, यहां ऐसे स्मॉल ए की एक और कॉपी स्मॉल ए आ गई, ऐसे कैपिटल बी की एक और कॉपी कैपिटल बी स्मॉल बी की स्मॉल बी, अब क्या होगा, इनको एनाफेज में लगाएंगे, एनाफेज में लगाने का मतलब देखो ये ऐसे लगे हुए हैं, आप देखो ये इस तरीके से लगे हुए हैं, एनाफेज में लगा रहा हूं मैंने, एनाफेज 1 में, तो ये अलग हो जाते हैं बीच में से, मतलब ये जुड़े हुए होते हैं, तो ये नीचे चला गया इसके साथ, ये नीचे ऐसे, ये ऊपर और ये ऊपर, तो अगर ये कितने जुड़े होते, ह्यूमन होता तो 46 पेयर, 23 पेयर होते, तो 23 पेयर ऐसे बीच में से अलग हो जाएंगे ऐसे, आप समझो इसे, तो ये किसमें हो रहा है, एनाफेज 1 में, ये वाला फेज, एनाफेज 2 में क्या होगा, अब ये बीच में जो डबल हुए थे ना, ये भी हाफ हो जाएगा, आप समझो, तो अभी मेरे पास क्या आ चुका है, ऊपर ये जा चुके हैं, ये देखो क्लियर, तो ये देख रहे हैं, ये बीच में से इनको अलग कर देंगे ऐसे, ये बीच में से ऐसे अलग कर देंगे, क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा, सही है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इसको तो बीच में से अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने देखो, कितने साल बन गए, 4 साल बन गए, 1, 2, 3, 4, तो पहले मैंने क्या किया, 46 थे, तो 23 यहां कर दिए, 23 यहां कर दिए, अब वो 23 बीच में से लग गया, सिस्टर ऐसे, तो उसमें से 23 यहां गए, 23 ये 23 ये 23 ये, ये चीज कर रहे हैं हम लोग, ये मियोसिस को एक्सप्लेन कर रहा है, समझ रहे हो, एनाफेज 1 में नंबर हाफ किया, फिर सिस्टर क्रोमेटिड, ये डबल हुए थे ना, देखो यहां ये पहले डबल किया, G2 में इनको डबल किया, यहां G2 में डबल किया, ये जीवन था, तो जीवन से G2 में इनको डबल किया, उसके बाद इनका नंबर हाफ किया, 46 में से 23 ऊपर 23 नीचे, और फिर बीच में से तोड़ के, बीच में से हर एक 23 को बीच में से सिस्टर क्रोमेटिड लग गया, पहले क्या किया, 23 ऊपर ले गए, 23 नीचे आ गए, अलग अलग पोल पे सेल पे, फिर वो जुड़े रहते ना, डबल किए थे यहां पे, ये वाले इनको फिर बीच में से लग गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये डायग्राम एक्सप्लेन करना जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको मियोसिस दिखा रहा है, और ये वो डायग्राम है जो आपको क्या दिखा रहा है, कि पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है गैमेट की, जो मैंने आपको इस डायग्राम से दिखाई है, जो मैंने आपको बेटा ये वाला डायग्राम दिखाया ना, ये वाला, इसी डायग्राम से पॉसिबिलिटी कैसे दिखाई, आप देखो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, स्मॉल के साथ स्मॉल बी, अगले स्लाइड पर ये स्मॉल बी आया, ये दिखाया, इसको एनसीईआरटी ने डायग्राम से ऐसे दिखाया, इस डायग्राम का मतलब समझो, मैं आपको वो दिखाऊं, देखो मैं पेन से कैसे दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना,
ये जुड़ा है, पेयर है, तो पेयर में से ये वाला इधर आ गया, ये देखो इसके साथ ग्रीन वाला आ गया, फिर वो बीच में से टूट गए तो ये बन गए, तो ये ऑरेंज के साथ ग्रीन, ऑरेंज के साथ ग्रीन और येलो के साथ रेड। लेकिन अब इसमें देखो जरा, इसमें इस ऑरेंज के साथ रेड चला गया, देखो यहां ये जो रेड था वो रेड गया था येलो के साथ, यहां येलो के साथ क्या आ गया, ग्रीन आ गया। तो यही चीज हम यहां कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना, इस ए के साथ स्मॉल भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी, या कैपिटल ए के साथ कैपिटल भी, यही चीज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो अब फिर क्या किया इसको, इनको बीच से लग गया, तो ये ऐसे पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी वन है, ये पॉसिबिलिटी टू है। तो मेरे पास आप देख पा रहे हो ये कितने जोड़े हैं, दो जोड़े, तो एक ये वाला बेटा एक पेयर है, दिस वन इज वन पेयर, दिस इज वन पेयर। तो इस वाले पेयर में ये ऑरेंज वाला ये रहा, इसके साथ ग्रीन चला गया, ऑरेंज वाले के साथ रेड चला गया, यहाँ पे देखो ऑरेंज वाले के साथ रेड गया और ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन गया। ये चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये दो पॉसिबिलिटीज ऐसे दिखा रखी है कि भाई इस ग्रीन वाले के साथ ये वाला भी जा सकता है और इस ग्रीन वाले के साथ ये वाला भी जा सकता है। इसे ही कहते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ दिस पेयर। तो ये मियोसिस में बिहेवियर था क्रोमोसोम का, इस बिहेवियर के थ्रू किसने, जो हमारे पास क्रोमोसोम एंड बोवेरी ने बिहेवियर ऑफ फैक्टर एक्सप्लेन किया, मतलब क्रोमोसोम का अलग होना इसके अलग इस पेयर के अलग होने पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसी को उन्होंने फैक्टर के को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई कि कैसे ये चीजें एक्सप्लेन हुई है, क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और हम इस चीज को देख सकते हैं बेटा जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, हम इस चीज को एनसीईआरटी देख सकते हैं जो आपको समझ आ जाएगी आसानी से, ठीक है। देखो देखो ये पैराग्राफ है जो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये वो पैराग्राफ है जो आपको आना चाहिए। देखो पैराग्राफ ये है बेटा, हमारे पास इन 1900 थ्री साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी करी मेंडल के काम की, ठीक है। उसके बाद आल्सो बाय दिस टाइम एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हो चुकी थी, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, साइंटिस्ट बहुत आसानी से सेल का डिवाइड होना ऑब्जर्व कर पा रहे थे। दिस लेड टू द डिस्कवरी, की वजह से न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखा जो डबल होता था, डिवाइड होता था हर एक डिवीजन के साथ। दिस वर कॉल्ड क्रोमोसोम, उन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम या कलर बॉडी, उन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम या कलर बॉडी, ठीक है। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट, तो 1902 तक क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है, क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसको वर्कआउट कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, वर्कआउट कर दिया गया। तो 1902 तक क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसको वर्कआउट कर दिया गया, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, देखो वर्कआउट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो सटन एंड बोवेरी नोटेड दैट, उन्होंने क्या नोट किया, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो बिहेवियर ऑफ फैक्टर जैसा ही है, आप देख पा रहे हैं। और उन्होंने एक्सप्लेन किया मेंडल का लॉ, तो उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट से कि वो जोड़े में होता है वो अलग होता है, मेंडल का लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिकॉल दैट आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस में कैसे बिहेव करते हैं, माइटोसिस में डबल होकर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस में नंबर हाफ हो जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि जीन्स करिंग पेयर, क्रोमोसोम करिंग पेयर, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इसी से, ठीक है, क्लियर। अब देखो तो सटन एंड बोवेरी ने क्या आर्ग्यू किया, सुनना ध्यान से बेटा, सटन एंड बोवेरी ने क्या आर्ग्यू किया मैं आपको बताऊं, यहां पे देखो ध्यान से देखना, सटन एंड बोवेरी ने क्या आर्ग्यू किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन, मतलब जोड़े में आना और अलग होना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, देखा ये मेन पॉइंट है। सटन एंड बोवेरी ने बोला कि क्रोमोसोम का साथ आना और क्रोमोसोम का अलग होना, फैक्टर का साथ आना फैक्टर का अलग होना, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि फैक्टर क्या है, क्रोमोसोम पे, क्योंकि फैक्टर दे कह रहे हैं, क्योंकि फैक्टर वो कैरी कर रहे हैं। तो सटन ने बेटा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सटन ने फाइनली थ्योरी को प्रपोज किया, तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड द क्रोमोसोमल, कॉल इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बाद में सटन ने क्या किया, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट की नॉलेज थी उसको मेंडल के प्रिंसिपल के साथ, मतलब मेंडल का जो फैक्टर था उनके बारे में नॉलेज को कंबाइन करके थ्योरी दी, जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को फैक्टर के सेग्रीगेशन के पैरेलल बताता है। और इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन किसने दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी का, थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सटन एंड बोवेरी ने हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, किसने प्रपोज की थ्योरी, सटन ने, और किसने उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। रिपीट कर रहा हूं, सटन एंड बोवेरी ने साथ में काम किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन, आप समझ रहे हैं, टीएच मॉर्गन ने, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया बेटा, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए इसके। और अब हम यहां से बैकग्राउंड बनाने वाले हैं एक और टॉपिक का, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए बेटा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी किसने की, बाई एक साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि इन्होंने बाई एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, बाई एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, प्रूव किया, प्रूव दैट फैक्टर अकर ऑन क्रोमोसोम, कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम पे, ये बाय एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूव किया। और इन्होंने किस पे काम किया बेटा, ड्रोसोफिला पे काम किया, ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ये फ्लाई होती है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इनके अंदर 8 क्रोमोसोम है, सिर्फ 8 क्रोमोसोम होते हैं फ्रूट फ्लाई में, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है नाम, ठीक है, ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं बेटा, वो दो वीक में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। दूसरा, वो नेचुरल और आर्टिफिशियल मीडियम, आप समझो, नेचुरल मीडियम में एंड आर्टिफिशियल मीडियम में प्रॉपरली ग्रो होता है, मीडियम में क्या होगा, ग्रो होगा, ग्रो होता है। तो 2 वीक की लाइफ साइकिल होती है ड्रोसोफिला की, वो कंप्लीट कर लेता है नेचुरल और आर्टिफिशियल मीडियम में, प्रॉपरली ग्रो करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ड्रोसोफिला के लिए कि मेल एंड मेल जो होता है वो स्मॉल है, फीमेल लार्ज साइज है, और इनको आसानी से कैन बी रिकॉग्नाइज एक्सटर्नली, उनको बाहर से आसानी से पहचान सकते हैं, और बेटा इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं, मतलब इनको कंट्रोल ब्रीड करना आसान है। तो ये काफी सारे रीजन थे जिस वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया। देखो एक एक तो मैं आपको क्लियर बताता हूं, मेंडेलियन जेनेटिक्स कैसे मूव करिए, पहले मेंडल का काम की रीडिस्कवरी क्रोमोसोमल थ्योरी, उसने ये पक्का कर दिया कि फैक्टर किस पे होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं। ये किसने प्रूव कर दिया बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि फैक्टर हमारे पास किस में होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं, ये प्रूव कर दिया। अब ये समय आ गया कि क्या एक ही फैक्टर होता है या एक से ज्यादा होते हैं, ये पता करने का समय आ गया, मतलब हम यहां से टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसे हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज टॉपिक का सिग्निफिकेंस आपको समझना है, और वो रास्ता इसी थ्योरी से जाता है जिसे क्रोमोसोमल थ्योरी कहते हैं। मेंडल के काम जब किया मेंडल ने, उस वक्त हमें कुछ ऐसा पता था कि फैक्टर जो है कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता कहां है। क्रोमोसोमल थ्योरी ने फैक्टर की पोजीशन फिक्स करी, कहा कि वो कहां होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं। अब अगला सवाल ये आया कि क्या क्रोमोसोम पर एक ही फैक्टर है या एक से ज्यादा। इस सवाल के साथ एक टॉपिक निकल के आता है जिसे हम लिंकेज कहते हैं, और लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जरा देखते हैं कि क्या है उस टॉपिक के बारे में। तो देखो क्या है, व्हाई वी स्टडी लिंकेज। अगर मैं आपसे पूछूं हम लिंकेज पढ़ते ही क्यों है,
तो ये वो डायग्राम है जो मेंडल के दिमाग में था, जहां पर हम न्यूक्लियस के अंदर ये फैक्टर है, न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड न्यूक्लियस फैक्टर तो है, फैक्टर है, पर मुझे क्या नहीं पता, फिजिकल प्रेजेंस नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कहां है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं पता बेटा, नॉट नोन। ये किसके अकॉर्डिंग बात है? ये अकॉर्डिंग टू मेंडल बात है, ये मेंडल के अनुसार हम ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब क्रोमोसोमल थ्योरी आई तो उसने ये बोला, उसने बताया आपको, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया बेटा आपको, क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया आपको, क्लियर, क्रोमोसोमल थ्योरी ने आपको बताया, ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ने आपको ये बताया कि जो फैक्टर है वो कहां लोकेट है, क्रोमोसोम पे। देखो ये जो क्रोमोसोम है, देखो यहां पर फैक्टर रैंडम दिखा रहा हूं, मेरे पास अब फैक्टर कहां लोकेट हो गया, फैक्टर मेरे पास लोकेट है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, फैक्टर हमारे पास किस पे लोकेट है, क्रोमोसोम पर लोकेट है, क्लियर है, ठीक है, यहां पर अपना दिमाग लगाओ। तो फैक्टर मेरे पास क्रोमोसोम पर लोकेट है, फैक्टर मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम पर लोकेट है, क्लियर होगी बात। तो हमारे पास ये काम आपको समझ आना चाहिए कि फैक्टर हमारे पास क्रोमोसोम पर लोकेट है, तो नंबर ऑफ फैक्टर, आप यहां पर एक दिमाग में आई बात सुनना ध्यान से, मान लो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये था कि फैक्टर न्यूक्लियस में, मैं नहीं पता कहां, क्रोमोसोमल थ्योरी ने बता दिया कि फैक्टर आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा फैक्टर है, जरा देखो एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा फैक्टर लोकेटेड है, आप समझ रहे हो, एक से ज्यादा फैक्टर लोकेटेड है, इसे लिंकेज कहते हैं, दिस इज लिंकेज, लिंकेज वर्ड का मतलब यही है, क्योंकि जब हमने ये पता कर लिया कि फैक्टर इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ने तो ये बोला, क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, कि फैक्टर इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर फैक्टर है, समझ रहे हो, पर एक से ज्यादा फैक्टर एक क्रोमोसोम पे है, इसे ही हम लिंकेज का नाम देते हैं बेटा, दिस इज लिंकेज, लिंकेज वर्ड का मतलब यही है कि व्हेन, ये देखो दिस इज लिंकेज, लिंकेज का मतलब जुड़ा होना, लिंकेज का मतलब है मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। और अगर मैं आपसे पूछूं इससे फर्क क्या पड़ेगा, है ना, हम तो इसका फर्क जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी को लिंकेज से जोड़ रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं फर्क क्या पड़ेगा, फर्क देखो, दिखाता हूं आपको, फर्क ये पड़ने वाला है, आपके पास मान लो दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी, एंड दिस इज कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी, लिंकेज होने से क्या फर्क पड़ेगा, ए और बी तो साथ जाएंगे और उसके साथ कैपिटल डी आ गया, तो ऐसी मेरे पास क्या हुआ, फिर देखो ध्यान से देखना, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, इसके साथ मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया, आप समझे, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, ये आ गया मेरे पास ऐसे, क्लियर, ये आ गया। अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल डी लिख दिया, कैपिटल ए, ध्यान से देखें बेटा, कैपिटल ए, देखें कैपिटल, अब यहां पर देख रहे हो चीज में क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे देखो मैंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, तो कैपिटल ए बी और स्मॉल कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, ये तो साथ ही आएंगे, स्मॉल डी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कैपिटल ए और बी हमेशा साथ रहना चाह रहे हैं, ये देखो ये साथ आ रहे हैं, फर्क किस में आ रहा है, कैपिटल डी में, क्योंकि वो अलग क्रोमोसोम पे है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये जीनोटाइप लिखूं, तो ये जीनोटाइप क्या है बेटा, ये जीनोटाइप ये है, जिनके मैंने गैमेट बनाए हैं, ये जीनोटाइप ये है, ये जो पूरा है इसका जीनोटाइप ये है। अब आप इसके गैमेट बना रहे हो, आप इसके क्या कर रहे हो, गैमेट बना रहे हो, तो जब आप इसके गैमेट बना रहे हो, वैसे तो 8 बनने चाहिए थे, पर 4 बने, क्योंकि ए और बी आपस में जुड़ गए, मजबूरी हो गई कि ये दोनों साथ जाएंगे, तो ए और बी हमेशा साथ जा रहा है, इसलिए गैमेट की संख्या क्या आई, 4 आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लिंकेज की वजह से अलग अलग टाइप के गैमेट बनने कम हो जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी कि ये दोनों जीन साथ जाएं। तो सबसे पहले हम मेंडल के फैक्टर का पता नहीं कहां था, क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया फैक्टर कहां है क्रोमोसोम पे, फिर आती है कहानी लिंकेज की, लिंकेज कहती है कि यार एक से ज्यादा फैक्टर है, तो फैक्टर अगर एक ही क्रोमोसोम पे है तो उनकी मजबूरी है साथ जाना, अगर वो साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, साथ जाएंगे तो नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के गैमेट्स, जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट कहते थे, उनकी संख्या कम होगी। तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुलना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लिंकेज कहते हैं, और लिंकेज की समझ बनाएंगे कि क्या होता है एक्जैक्टली, लिंकेज होता क्या है, अपना दिमाग एनसीईआरटी पढ़ के खुला रखना, क्योंकि ये सबसे खतरनाक टॉपिक है लिंकेज को समझना, क्लियर होगी बात बेटा। तो लिंकेज समझना हमने, और आपने अपने दिमाग में लिंकेज को बिठाना, एक्जेक्टली क्या होता है, मैंने आपका एक बैकग्राउंड बना दिया लिंकेज को लेकर, कि लिंकेज का मतलब फैक्टर आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड दे टेंड टू मूव टुगेदर, टेंड टू मूव टुगेदर मतलब वो साथ मूव करना चाहते हैं, क्लियर, तो इसको यहीं रोकते हैं और आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिंकेज समझाते हैं, क्लियर होगी बात बेटा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।